डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन डेटाबेस। आप सिंपल सा एग्जांपल समझो कि आपने कोई डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स क्रिएट किए हैं। अब उन टेबल्स में डेटा डालने जा रहे हो, मतलब ऑब्वियसली एक्चुअल में डेटाबेस क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि डेटाबेस के अंदर हम प्रॉपर डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें और फिर लेटर ऑन हम उसको यूज कर सकें। कुछ एक्सेस करना है तो एक्सेस कर सको, कुछ इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो जब भी हम डेटा की बात करते हैं कि यार इस डेटाबेस में जब मैं डेटा डालना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं कि एंड शंट कुछ भी डाल रहे हैं, जो भी मुंह में आया उठाया और फालतू में डाल दिया। नहीं, वहां पे कोई ना कोई रूल्स होने चाहिए ताकि आपका जो डेटा एक्चुअल में उस डेटाबेस में जा रहा है वो इंटेग्रल होना चाहिए। इंटेग्रल का मतलब क्या है कि उसकी एक वैल्यू, उसकी एक जो है वो यूनिकनेस कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कह रहा हूं कि एक्स की वैल्यू 100, कोई और उसी डेटाबेस में कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 200, कोई थर्ड पर्सन कह रहा है एक्स की वैल्यू तो भैया 300 है। तो यार यूनिकनेस तो कहीं ना कहीं आई नहीं, इंटीग्रिटी तो आई नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब ही क्या होता है, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। हम लोग जो है उस डेटाबेस में डेटा डालने से पहले, इंसर्ट करने से पहले, या अगर इंसर्ट कर रखा है तो फिर हम अगर लेटर ऑन उसको अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी जो भी दिल में आए कर रहे हैं। नहीं, देयर मस्ट बी सम सेट ऑफ रूल्स, और वो जो रूल्स हैं वो एक्चुअल में डेटाबेस को मेंटेन करते हैं ताकि डेटा के अंदर एक्यूरेसी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, रिलायबिलिटी बनी रहे। यही एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि उस डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। बड़ा सिंपल से कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे, आप नोट कर लो, क्योंकि कई बार डायरेक्ट जो है वो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स बताओ। तो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट्स। डोमेन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, डोमेन इज रिलेटेड टू द एट्रीब्यूट्स। आपने अपने टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डाले होंगे, जैसे इंप्लॉय का टेबल है या स्टूडेंट का टेबल है, तो आपने उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट की या इंप्लॉय की एज डाली होगी, उसका नेम डाला होगा, या लेट्स सपोज आपने उसके अंदर मोबाइल नंबर डाला होगा। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स डाले होंगे। अब आप कहते हो कि सर मैं इसमें कुछ भी डाल सकूं? नहीं, तो आपको जो है वो यहां पे कहीं ना कहीं हम लोग जो है जब भी एट्रीब्यूट्स बनाते हैं तो साथ में डेटा टाइप जरूर मेंशन करते हैं। जैसे इंट मेंशन कर दिया कि ये इंटीजर टाइप का डेटा, मतलब उसकी डोमेन डिसाइड कर दी कि इसमें इंट टाइप का डेटा डालेगा। इसमें आपने डाल दिया कि भैया कैरेक्टर टाइप का डेटा डाल सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का डेटा। इसमें भी आपने बोल दिया कि इंट टाइप का डेटा डाल सकते हो। आपने अपनी तरफ से कह दिया कि इसका डेटा टाइप ये है, बट लोग, या ऐसे कह लो कि जब डेटाबेस में बाद में कोई एंट्री ऑपरेटर एंट्री कर रहा है, उसने गलती से क्या वैल्यू डाल दी, एज में -5। एज किसी स्टूडेंट की एज कितनी है, -5, या किसी इंप्लॉय की एज कितनी है, 0। क्या ये पॉसिबल है? तो यहां पे ये वाला कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है, एक तरह से डोमेन जो है वो वायलेशन हो रहा है। तो इस चीज को मेंटेन रखता है डोमेन कंस्ट्रेंट। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे बाय यूजिंग द चेक कंस्ट्रेंट आप इसको रोक सकते हो। कैसे? आप चेक कंस्ट्रेंट लगा दो एज के ऊपर, आपने लगा दिया कि चेक एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई -5 डालेगा एरर आएगी, वो डाल ही नहीं सकता, वो क्लिक करेगा सबमिट पे, रन पे, रन ही नहीं होगा। अगर 0 डालेगा रन ही नहीं होगा। ऐसे ही आप एक सिंपल से एग्जांपल मोबाइल का कह सकते हो कि सर मैंने मोबाइल डाला और वहां पे लोग पता है क्या भर रहे हैं, 1 2 3 9 8 7। मतलब ऑब्वियसली मोबाइल आपको पता है कि 10 डिजिट का होता है, तो किसी ने अगर 8 भरे, किसी ने 7 भरे, तो ये नहीं गलत डेटा है। तो फिर हम वहां पे भी काइंड ऑफ चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि चेक कर दो कि भैया लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द मोबाइल नंबर मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी इक्वल टू 10। काइंड ऑफ आप ये कंस्ट्रेंट जो है वो एक्चुअल में सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो लेटर ऑन एसक्यूएल के अंदर हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं एसक्यूएल को यूज करके। बट यहां पे आपको समझना है कि इस कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, कि आप जो डेटा डाल रहे हो ना वो डेटा वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के डाल रहे हो। फिर आ जाता है जी आपका इंटीग्रिटी वाला, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, इट इज टोटली रिलेटेड टू द प्राइमरी की। ये कहता है कि जो प्राइमरी की है ना, आपके टेबल में कम से कम एक प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए ताकि यूनिकनेस आ सके, और वो नॉट नल होनी चाहिए। तो भैया जो प्राइमरी की होती है उसकी खासियत ही होती है कि इट इज यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक भी होती है और नॉट, मतलब उसमें डेटा रिपीट भी नहीं कर सकते और नल भी नहीं हो सकता। तो यानी कम से कम एक कंस्ट्रेंट, एक एट्रीब्यूट ऐसा हो जो नल नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, तो आप क्या करो, प्राइमरी की बना दो उसको। और वैसे भी मैंने अलग से, अगर आप डीबीएमएस की प्लेलिस्ट चेक करो तो लेक्चर नंबर 8 जो है वो प्राइमरी की के ऊपर है, वो सारी कहानी 8 9 10
प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की सारा उसमें अच्छे से बताया हुआ है, तो आप एक बार उसको जरूर गो थ्रू कर लेना, वैसे तो आपको कहानी समझ में आई गई। फिर आ जाता है जी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इट इज टोटली रिलेटेड टू द फॉरेन की। मतलब कहने का भाई दो टेबल्स हैं, एक टेबल मास्टर टेबल है, एक टेबल जो है वो एक तरह से चाइल्ड टेबल है, मतलब एक पेरेंट टेबल एक चाइल्ड टेबल। अब पेरेंट टेबल में जो भी डाल रहा हूं चाइल्ड टेबल में वही आएगा ना जो पेरेंट में है, ऐसा नहीं कि पेरेंट में वो डेटा है नहीं और चाइल्ड में आप डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट हो रही है। तो इसको वायलेट करने से बचाने के लिए फॉरेन की को यूज किया जाता है। फॉरेन की क्या होती है, कैसे लगती है, कैसे मेंटेन करती है, वो सारा ऑलरेडी मैंने बताया हुआ ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी नीचे या फिर ऊपर आई सेक्शन में आपको लिंक आ रहा होगा। मैंने जैसा कि बताया आपको लेक्चर नंबर 8, 9, 10 वो आपके इसी से रिलेटेड है डीबीएमएस की प्लेलिस्ट में, जहां पे आपको फुल कहानी फॉरेन की पता लगेगी, प्राइमरी की, और लास्ट में आ जाता है जी आपका की कंस्ट्रेंट, ये रिलेटेड है यूनिक के साथ। यूनिक मतलब कि आपके टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होंगे, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन की कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि आपके टेबल में कम से कम एक यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। वैसे तो मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है, लाइसेंस नंबर यूनिक होता है, फोन नंबर यूनिक होता है, ईमेल आईडी यूनिक होता है, लेकिन कम से कम एक तो आपका ऐसा होना चाहिए, मल्टीपल भी हो सकते हैं। और यूनिक पता क्या है, यूनिक एक्चुअल में कैंडिडेट की से रिलेटेड है, कैंडिडेट की ही प्रॉपर्टी होती है क्या यूनिक। तो इसीलिए यहां पे आपको इस टॉपिक को अगर मैं पूरा समराइज करूं तो इस टॉपिक का मतलब पता है क्या है, इस टॉपिक में आपको समझना है कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। और वही चीज मैंने लेक्चर नंबर 8 में कैंडिडेट की, लेक्चर नंबर 9 में प्राइमरी की और लेक्चर नंबर 10 में फॉरेन की समझाई हुई है। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वाला। बाद में ER मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल मॉडल, वो सारे के अंदर आपको बार बार ये कीज ही यूज होंगी, लेकिन अभी अगर आप करोगे तभी आपको आगे फ्यूचर में समझ आएगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से नोट कर लो और कर लो। थैंक यू।